मधुबनी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। ज्वेलरी दुकान में बड़ी लूट की योजना बना रहे चार अपराधियों को पुलिस ने हथियार के साथ दबोच लिया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि नगर थाना क्षेत्र के J0P0 कॉलोनी अंतर्गत मोतीदास के किराए के मकान में कुछ अपराध कर्मी, जो किसी ज्वेलरी दुकान में बड़ी लूट की घटना को अंजाम देने के लिए हथियार तथा लूट एवं चोरी की मोटरसाइकिल के साथ इकट्ठा हुए हैं। ये लोग पूर्व में भी चोरी एवं लूट की घटना को अंजाम दे चुके हैं। सूचना का सत्यापन एवं गिरफ्तारी हेतु राजीव कुमार अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर के नेतृत्व विशेष टीम गठित किया गया। विशेष टीम एवं पेंथर मोबाइल के द्वारा J.P. कॉलोनी स्थित मोतीदास के घर को चारों तरफ से घेराबंदी कर छापामारी किया गया। SP सुशील कुमार ने बताया कि मोतीदास के मकान के प्रथम तल्ला पर निर्माणाधीन कमरा में 08-09 व्यक्ति उपस्थित थे, जो पुलिस बल को देखकर इधर उधर भागने लगा, जिसमें सहस्त्र बल द्वारा खदेड़ कर चार व्यक्ति को पकड़ लिया गया तथा शेष 04-05 व्यक्ति भागने में सफल हो गए। इन लोगों का विधिवत तलाशी लेने पर इन लोगों के पास से 02 देशी कट्टा, 06 गोली, 03 मोबाइल, एक बैग जिसमें 690 ग्राम गांजा एवं चोरी एवं लूट करने वाला लोहे का औजार बरामद हुआ, जिसे विधिवत जब्त किया गया। पकड़ाए व्यक्तियों द्वारा बताया गया कि इनकी टीम में 04-05 लड़का और है, जो सभी मिलकर चोरी एवं लूट की घटना को अंजाम देते हैं। सक्रिय थानांतर्गत दिसंबर महीना में एवं भैरवस्थान थानांतर्गत फरवरी महीना में एक एक मोटरसाइकिल चोरी किए थे तथा डौल थाना अंतर्गत 6 फरवरी 2024 को गोली मारकर उजला रंग का अपाची मोटरसाइकिल लूटे थे। ये तीनों मोटरसाइकिल इसी मकान के पार्किंग में रखा हुआ था, जिसे पुलिस टीम द्वारा विधिवत जब्त किया गया। मैं इस संबंध में नगर थाना में कई धाराओं के अंतर्गत कांड दर्ज कर पकड़ाए चारों अपराधकर्मियों को विधिवत गिरफ्तार किया गया। शेष फरार अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी हेतु छापामारी किया जा रहा है। SP सुशील कुमार ने बताया कि सभी अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास पता किया जा रहा है। विशेष टीम में शामिल पुलिसकर्मियों को पुरस्कृत किया जाएगा। किराए के मकान में कुछ अपराधकर्मी जुटे हुए हैं, 2-3 दिनों से जुटे हुए थे और इनका कुछ प्लान चल रहा था। बड़ी लूट की घटना का अंजाम देने के लिए लोग लगातार कोशिश कर रहे थे। जो हम लोग को स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन था कि ये कुछ ज्वेलरी शॉप को लूटने के लिए लगातार प्लान बना रहे हैं, रेकी कर रहे हैं, उसी सूचना के आधार पर हमने SDPO सदर के नेतृत्व में टीम बनाई थी, जिसमें कि SHO नगर, SHO पंडौल और SHO भैरवस्थान को हम लोगों ने रखा था। इसके अलावा अन्य पदाधिकारी जैसे मनोज कुमार नगर थाना से, शत्रुघ्न कुमार नगर थाना से, राजा बाबू राय नगर थाना से, लक्ष्मी कुमारी नगर थाना से, रानी कुमारी नगर थाना से और उपेंद्र कुमार सिंह, उसके अलावा हमारी टेक्निकल टीम है और पैंथर मोबाइल की टीम है। ये सारी टीमें को लेकर के एक टीम बनाई गई थी और जो सूचना थी वहाँ पर छापेमारी की गई, जहाँ से चार लोगों को गिरफ्तार किया गया। चार लोग जो है मोहम्मद कैफ अली हैं, एक मनीगाछी जिला का है ये, आसिफ फिरोज है ये भी मनीगाछी जिला का है, मोहम्मद अबू बकर ये भी मनीगाछी जिला का है और एक अशरफ अली है जो राजनगर का है, मधुबनी जिला का है। इनके पास से जो 2 देसी कट्टा बरामद किया गया है, उसके अलावा 6 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। जो इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है कि पंडौल में 6 फरवरी 2024 को एक लूट की घटना हुई थी, जिसमें कि जो अभी ये व्यक्ति थे जिनके साथ लूट की घटना हुई थी, उनको उनके अपाचे मोटरसाइकिल को गोली मार करके लूट लिया गया था। वो लूटी हुई अपाचे मोटरसाइकिल की भी बरामदगी इनके पास से हुई। इनके बयान के आधार पे वहीं उसी जहां पे ये लोग थे वहीं पे पार्किंग में लगा रखा था। उसके अलावा 2 अन्य बाइक भी बरामद किया गया जो चोरी का सत्यापित हुआ। तो टोटल 3 बाइक बरामद हुआ है, 2 देसी कट्टा बरामद हुआ है, 6 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है, इसके अलावा गांजा कुछ बरामद हुआ है और ये सारी चीज़ें जो है चाकू, बड़ी सी चाकू और पेंच और ये सब चीज़ें बरामद हुई। तो ये इनके ऊपर एक अन्य कांड भी हम लोगों ने दर्ज किया है, चूँकि ये लूट की योजना बना रहे थे तो उसके लिए अन्य कांड हम लोगों ने दर्ज किया है। उसके अलावा जो पुराने केसेस में इनकी इन्वॉल्वमेंट है उस पर हम लोग रिमांड लेकर के आगे की कार्रवाई करेंगे।
जिनके मकान में रह रहे थे, क्या हुआ, आइडेंटिटी करके रखे हुए थे हम ये लोग। सारी चीज़ों पे हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इसमें अगर उन्होंने नहीं किया होगा ये सब सारी चीज़ों को, तो हम लोग उन पर भी कर रहे हैं। मधुबनी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, लगातार 3 आचार संहिता में बड़ी कार्रवाई हो रही है सर, क्या अपराधी इससे थोड़े से डरेंगे? हमारी हमेशा से कोशिश यही रहती है कि जो अपराधी हैं वो उनको हमेशा वो मधुबनी जिला में क्राइम करने में सफल ना हो पाए, विफल करें। हम लोग इस चीज़ पर लोग लगातार कार्रवाई करते रहते हैं, और अगर हो जाता है तो उसको जल्दी से जल्दी उद्भेदन करके और जो अपराधी हैं उनको जेल भेजा जाए, ये हम लोग की लगातार कोशिश रहती है। इलेक्शन के टाइम में हम लोग ने सभी अपने जितने भी आसूचना तंत्र है उसको और काफ़ी सक्रिय किया है, और टेक्निकल टीम भी है वो लगातार इसमें एक्टिव है, और कोशिश यही है कि अपराध होने से पहले ही हम लोग उसको रोक सकें। ओके, थैंक यू।